डॉक्टर बत्रा हेल्थ केयर ने ग्रेटर नोएडा और सिटी में अपने दूसरे क्लिनिक का शुभारंभ किया है और इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में इसके 16 क्लिनिक पहले ही शुभारंभ हो चुके हैं। उद्घाटन के अवसर पर ग्रेटर नोएडा की दादरी विधानसभा के विधायक तेजपाल सिंह नागर और डॉक्टर बत्रा ग्रुप ऑफ कंपनी में मेडिकल सर्विसेज हेड डॉक्टर तुषार मित्तल ने उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। गौड़ सिटी एक राजनीतिक जगह है जहाँ से नोएडा और दिल्ली एनसीआर के लिए बेहतरीन कनेक्टिविटी मिलती है। यहाँ रहने वाले परिवार और पेशेवर आसानी से होम सर्विसेज की सुविधा ले सकते हैं और इस तरह हेल्थ केयर सेवाओं की मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है। भारत में 100 मिलियन से ज्यादा लोग स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती के लिए इस पर निर्भर करते हैं। डॉक्टर बत्रा हेल्थ केयर दुनिया में भारत का अग्रणी है जिसके पास दुनिया भर में होम्योपैथिक क्लिनिक का सबसे बड़ा नेटवर्क है। डॉक्टर बत्रा होम्योपैथी का दूसरा नाम है। पद्मश्री डॉक्टर मुकेश बत्रा भारत के अग्रणी होम्योपैथ है जिन्होंने 1982 में मुंबई में मरीज पर केंद्रित एक संस्थान के तौर पर डॉक्टर बत्राज हेल्थ केयर की संस्थापना की थी। तब से अब तक यह ब्रांड 15 लाख से अधिक मरीजों का सफल इलाज कर चुका है। डॉक्टर बत्रा होम्योपैथी की अच्छाइयां और सबसे नई अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी को मिलाकर ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए सबसे तेज और सर्वश्रेष्ठ परिणामों की पेशकश करता है। देखिए, ग्रेटर नोएडा वेस्ट एनसीआर के बहुत महत्वपूर्ण जगह है। इस हॉस्पिटल की बहुत पहले आवश्यकता थी। इनकी हॉस्पिटल्स हमारे गौतम बुद्ध नगर में सेक्टर 18 में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में परिचौक पर है। यहाँ के बहुत सारे पेशेंट सेक्टर 18 में जाते थे, वेटिंग में रहते थे। इस हॉस्पिटल के यहाँ खुलने से, बत्रा हॉस्पिटल के यहाँ खुलने से यहाँ की जनता इसका पूरा लाभ उठा सकेगी। और ये जो पद्धति है होम्योपैथिक की, मुझे बहुत पसंद है। इस वजह से हमारे माननीय योगिंदर शर्मा जी ने बताया कि थोड़ा देर से आराम मिलता है लेकिन फ़ायदे ज़्यादा हैं, तो मैं समझता हूँ वो सारे फ़ायदे यहाँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट की जनता को मिलेंगे और इसका पूरा लाभ उठाएंगे। मैं बत्रा परिवार का, डॉक्टर बत्रा का, डॉक्टर बत्रा परिवार का और जो यहाँ डॉक्टर अपॉइंट करे हैं उनने, उन सब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और इस आग्रह के साथ, इस निवेदन के साथ, यहाँ की जनता को सस्ता और अच्छा स्वास्थ्य लाभ दे करके जनता को लाभान्वित करते हैं। देखिए, हम लोग नोएडा, दिल्ली के बाद ग्रेटर नोएडा में आए हैं और अपनी सभी सुविधाएं यहाँ पर लेके आए हैं। होम्योपैथी और उसमें अत्याधुनिक जो यंत्र हैं उनको यूज़ करके हम बेहतर चिकित्सा दे पाएँ, वो सब हम लेकर आए हैं। यहाँ पर विधायक जी आए, उन्होंने शुभारंभ किया है जी जी, और तमाम मशीनों का जायजा लिया है जी। तो किस तरीके की जो क्षेत्र के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरी विधानसभा में ये शुरुआत हुई है जी। और आप लोगों की तारीफ भी उन्होंने की है, तो यहाँ के क्षेत्र के जो लोग हैं किन किन स्वास्थ्य को लेकर, किन किन बीमारियों को लेकर यहाँ पर आएंगे? देखिए, हम लोग ने जो उम्मीद की है, जो हमने और जगह भी देखा है दिल्ली एनसीआर में, कि आप देख सकते हैं पोल्यूशन कितना है, तो जितनी भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं वो, एलर्जीज जितनी भी हैं उसके लिए, स्किन की परेशानियां, बालों की परेशानियां, ये सब के लिए हम लोग हैं यहाँ पर। लोगों का वज़न बढ़ता है, डायबिटीज़ है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर हैं। तो उन लोगों को, सबको बहुत दूर जाना पड़ता था यहाँ से हमारे दूसरी ब्रांचेज में, तो यहाँ पर उनको आसानी होगी, वो लोग बहुत कम समय उनका वेस्ट भी नहीं होगा और यहाँ पर आ पाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस की जो बात की गई जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी मेडिसन्स या तमाम बीमारी के बारे में बातचीत की जाएगी, तो उनको कैसे? देखिए, क्या होता है, कई बार कहीं भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो पेशेंट को और हमको इनसाइट की ज़रूरत होती है और एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत होती है, तो वो पेशेंट को कहीं नहीं जाना, उसको यहीं बैठे बैठे मिल जाएगी जी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, तो की अगर हम बात करें तो जितने लोग आएंगे, चाहे बालों की समस्या को लेकर आए या तमाम प्रदूषण की समस्या को, तो प्रोडक्ट किस किस तरीके के? देखिए, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स हैं और उसके अंदर आप देखेंगे जितने भी नॉर्मली प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं वो हमारे लिए, शरीर के लिए नुकसान देने वाली होती हैं, लेकिन हमने उन चीज़ों को इसमें नहीं डाला है और अपनी कुछ दवाइयाँ भी उसमें ऐड की हैं, उससे वो पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा और कारगर रहता है। लास्ट सवाल, चार्जेस की अगर बात करें, क्योंकि तमाम समस्याएं होती हैं और लोगों को जब बीमारी होती है या कोई भी दिक्कत होती है तो चार्जेस का बड़ा इशू होता है, तो
तो चार्जेस को लेकर किस तरीके से इस बत्रा हॉस्पिटल में? देखिए, हम लोग जो सुविधाएं देते हैं उसके हिसाब से हमारे जो चार्जेस हैं वो बहुत सामान्य हैं, और वो अलग अलग तरीके से उनको पे कर सकते हैं। तो वो थेरेपी बेस्ड हैं, कंसल्टेशन बेस्ड हैं, अलग अलग तरीके से है, और उसके हिसाब से हम उनको जो भी सुविधाएं होती हैं वो देते हैं। गौर सिटी और विधानसभा के लोगों से क्या कुछ रहेगा हॉस्पिटल की तरफ से, इस क्लिनिक की तरफ से अपील किस तरीके से? देखिए, हम उनको कहेंगे कि आप आएँ और यहाँ दिखाएँ, और आपको शायद जिस जिन इलाजों से आप अब तक वंचित थे हम उनको वो यहाँ पर दे पाएंगे और उनका स्वास्थ्य लाभ उनको दिलवा पाएंगे। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। NBCN न्यूज के लिए ग्रेटर नोएडा से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। 1,00,000 रुपए बताई जा रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।